देखिए जी, हमारा 9 बजे तक तो पूजा पाठ चली और 10:30 बजे तक हमारा नाच गाने का प्रोग्राम चलने के बाद हमने खाना पीना खा के और हम अपने अपने तंबू में चले गए। 2 बजे हमें जाना था स्नान के लिए। उससे पहले हम जब उठे, तैयारी हो रहे थे, अचानक पता चला कि आग लग गई। और कैसे लगी, निकलते निकलते पूरे तंबू में आग लग गई। अब ये नहीं पता है कि वो लगी है, लगाई गई है, लेकिन इतनी अचानक और इतनी जल्दी सब कुछ नहीं जलता। 2 बजे सोते हुए और महिला टेंटों में लगी आग। ये भी नहीं कि मेरे टेंट में चलो पूजा है, पाठ है, अगरबत्ती धूपबत्ती माता का तस्वीर सब था, तो मेरे में तो चलो एक बार को हो सकता है। जिन्हों में औरतें सो रही हैं, जहाँ कोई बीड़ी सिगरेट किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, उस टेंट में रातों रात एकदम से आग लगना और पता नहीं चलना और एकदम से सब कुछ जल के सुहा हो जाना। उसमें मेरे भाई, मेरे भाभी और एक बुजुर्ग व्यक्ति, 3 व्यक्ति जले हैं। और हमारा सारा सामान, सब कुछ नुकसान हो गया। आज कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, यहाँ तक कि कहते हैं कि जहर खाने की रुपया नहीं, जो कपड़े हैं यही हमारे पास है। आईडी कार्ड, पैसा, धेला, राशन, पानी, बिस्तर, हमारा कुछ भी नहीं बचा। सब जल गया। और 5 मिनट में ऐसा जल जाना असंभव है। माय नेम इज मार्टिना डावो फ्रॉम जर्मनी एंड ही वाज अ बिग फायर बाय द किन्ना अखाड़ा एंड ऑल माय थिंग्स आर लॉस्ट। आई नीड हेल्प फ्रॉम द जर्मन एम्बेसी। I have nothing anymore. I have no shoes, I have no underwear, I have nothing, only the things what I'm wearing on my body and the rest of my German money a little bit, and my passport is only half.